नमस्कार, मैं दानिश और आप देख रहे हैं हमेशा कितने टीवी भारत न्यूज चैनल। आज हमारे साथ है पूर्व बिलासपुर मुख्य समाजवादी पार्टी के नवाब सिंह यादव। उनसे जानते हैं 196 विधानसभा में उनका दौरा लगा, विजय यात्रा शुरू की उन्होंने, तो काफी उनसे पूछते हैं। विजय यात्रा आपने शुरू की 196 विधानसभा में, कैसा क्या रहा सर? ये यात्रा हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं थी, इसके आयोजक नौजवान बेरोजगार संघ के लोग थे। उनके साथ जो 5 वर्षों में जाचतियाँ हुई, नौकरी के नाम पर उन्हें बहगलाया गया, ठगा गया, कैसे पागल बनाया गया, कैसे आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुआ, कैसे घोटाले हुए, कैसे परीक्षाएं निरस्त हुई, उनका अपना दर्द था। उन्होंने कार्यक्रम किया था, उन्हें डर था कि अगर हम लोग कुछ करेंगे तो पुलिस हमें करने नहीं देगी, और न्याय के खिलाफ हम समाजवादी लोग हर एक की मदद करते हैं। तो नौजवानों की आवाज थी, उसे हम ताहिर भाई, पूर्व जिला अध्यक्ष मुन्ना भाई, आलम भाई, तहसीन जी, तमाम लोग नौजवानों की आवाज बुलंद करने के लिए आए थे। पुलिस आने नहीं दे रही। भाई, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता आएगा, आप माला पहनाओगे, आप आगे आगे चलोगे, ये कैसा लोकतंत्र है? विपक्ष देश का खूबसूरती होता है, विपक्ष देश का भविष्य होता है, और ये विपक्ष की आवाज को दबा रहे हैं। नौजवानों की आवाज को दबा रहे, किसानों की आवाज को दबा रहे, लेकिन हम समाजवादी लोग ठहरे हैं। अन्याय के खिलाफ थानों में घुस के आंदोलन किया है, कभी कदम पीछे नहीं हटाया है। नौजवानों किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए जब तक इस जिस्म में खून का कतरा है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। तीन चार जगह आपको रोका गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा, क्या बातचीत हुई पुलिस प्रशासन के बीच, क्या बोल रहे हैं? परमिशन देते ही नहीं, परमिशन देगा कौन? परमिशन तो कल की पड़ी है, परमिशन देते नहीं। ये आज की जो पुलिस प्रशासन है वो डीएम एसपी यही एजेंट की तरह और संगठन भारतीय जनता पार्टी के संगठन की तरह काम करते हैं। जो गुरसाईगंज के थाना अध्यक्ष हैं, आप उन्हें ये मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं, ऐसा आप मान लीजिए। इस तरीके से समाजवादियों को लाठी मारते हैं, गुस्ताखी दिखाते हैं, रास्ते मन आता जहां खड़े हो जाते हैं। भाई, आप परमिशन हमने मांगी, आप परमिशन हमें दे दीजिए। यहां जो आवाज निकालेगा सरकार के विरुद्ध, उसे लाठी पड़ेगी, मुकदमा पड़ेगा, उसे रोका जाएगा, उसकी आवाज को दबाया जाएगा। मैंने फिर कहा, हम ठहरे समाजवादी, हमारा नारा रहा हर जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा। ठीक है, हमारे साथ नवाब सिंह यादव, जो यहाँ पे बता रहे थे कि जो बेरोजगार है शिक्षक, नहीं शिक्षक भर्ती के लिए, उनके साथ यहाँ पे वो धरने के लिए आए थे और यात्रा के लिए आए थे, मगर प्रशासन कुछ गलत समझ बैठा, तो वो बता रहे थे कि उनके पास परमिशन कल की पड़ी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा उन्हें परमिशन नहीं दी गई। तो दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए डी भारत।